आप मैं नीतीश पाटिलकर इस वक्त हम आए हैं प्रति इंडियन गैस, जहाँ पर हमारे संचालक संजय जी पाटिलकर बताएंगे उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन योजना क्या है, क्योंकि इसमें काफ़ी किसान और जो भी गैस के कस्टमर हैं गैस एजेंसी की यहाँ पर आकर परेशान भी हो रहे हैं, और वही देखा जाए तो सरकारी इस योजना के बारे में उन तक बात नहीं पहुँच पा रही है। हाँ सर, उज्ज्वला कनेक्शन जो योजना है ये अभी बताया जा रहा है कि अक्टूबर के सप्ताह तक शुरू होगी, आवेदन दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं? अभी इसमें आवेदन ले रहे हैं तो समस्या सबसे बड़ी आ रही है, अभी जो मुख्यमंत्री लाडली बहना सस्ता गैस सिलेंडर 450 वाली जो योजना है उसमें पंजीयन हो रहे हैं पंचायत में पंजीयन हो रहे हैं, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये देखने को आई कि जो भी उज्ज्वला महिला वहाँ पे आवेदन करने के लिए जा रहे हैं तो उनके नाम में समस्या ये आ रही है कि केवल उनके आधार के हिसाब से या EKYC जो हुई उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि उसमें केवल नाम महिला का होना चाहिए, ना उसके साथ में उसका पति का नाम होना चाहिए, ना ही उसके जाति या सरनेम होना चाहिए। लेकिन अपनों ने जो गैस कनेक्शन जो बना रखे हैं हमारे पोर्टल पे उसमें पति का नाम और जाति या सरनेम उसमें कंपलसरी था, जो अपनों ने उसके हिसाब से बना रखे नहीं है उज्ज्वला में कि उसका नाम का करेक्शन कर सकें, सुधार कर सकें। वहाँ पर एक सवाल और ये भी है कि कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मतलब कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है उज्ज्वला योजना में, मतलब कौन पात्र हैं, जैसे कि किसी के पहले से गैस कनेक्शन है या उनके समग्र आईडी अलग चाहिए या उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उज्ज्वला योजना के जो भी हितग्राही हैं एवं लाडली बहना योजना में जिसके से जो गैस कनेक्शन है वो इस 450 वाली योजना में 450 वाली योजना में सस्ता गैस सिलेंडर फिल में योजना में लाभ ले पाएगी, जिसका पंजीयन पंचायत में हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए पहले पंजीयन करवाने का आवश्यकता है? जी, देखिए आपको सबसे पहले पंचायत में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी मतलब योजना आती है वो पहले पंचायत स्तर पर पूर्ण होती है, उसके बाद मतलब यहाँ एजेंसी संचालक तक पहुँचती है। सर एक बात तो ये इसमें डेट में आ रहा है कि मतलब 450 का गैस सिलेंडर लोगों को जो रहता है उनको कब से मिलना प्रारंभ हो जाएगा? ये शायद एक अक्टूबर से योजना प्रारंभ होने वाली है, इसमें सभी गैस एजेंसी पे जो भी रिफिल का जो रेट रहेगा वो सभी समान रहेगा, जैसे कि अभी हमारे एरिया में 979 रुपये है। हाँ, अभी आवेदन दिया जा रहा है। हाँ, उसमें सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन योजना में अभी आवेदन अपन लेना चालू कर दिए हैं, बहुत जल्द योजना चालू होने वाली है। उसमें सबसे पहले परिवार की समग्र आईडी, उसमें जो भी 18 वर्ष से ऊपर जो भी सदस्य हैं उनके सभी के आधार कार्ड, महिला का बैंक खाता और दो फोटो, और किसी का अगर जाति प्रमाण पत्र हो तो वो भी अनिवार्य रूप से लगेगा। देखिए आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, अवेलेबल यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र हो, मतलब डॉक्यूमेंट कुल मिला के शासन की योजना है। और उज्ज्वला योजना जैसा भी अगर आप डॉक्यूमेंट में देखा, आपने अभी पेपर में देखा होगा, योजना पूर्ण रूप से अभी प्रारंभ नहीं हुई है, कहने का मतलब ये है मतलब अक्टूबर के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह से ये शुरू होने वाली है, और इसका फायदा भी जल्द आपको मिलेगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। ये हम इसलिए आए थे यहाँ पर कि जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना में 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं है, ये शासन की योजना बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ काफ़ी डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, उसके लिए पात्र कौन होगा कौन नहीं होगा वो सब यहाँ पर पूरी जानकारी के बाद आपको मतलब ये चेक करके दिया जाएगा। सर अभी 979 में आ रहा है, सर अभी शासन की योजना वो केंद्र ने भी 200 रुपये भी कम किए थे, तो वो भी मतलब कम हो गए। पहले रक्षाबंधन के पूर्व 1179 रुपये थे, तो केंद्र सरकार ने 200 रुपये कम किए, राहत मिली है। 200 रुपये की राहत मिली, जैसा कि ये फायदा डायरेक्ट आपको खाते में मिल रहा है, सभी कस्टमर के लिए मिल रहा है। और बात हो रही थी उज्ज्वला गैस कनेक्शन की, तो जिनका समग्र आईडी अलग है वो मतलब आईडी अलग है, मतलब परिवार अलग है, परिवार मिला के तो एक समग्र परिवार आईडी, मतलब एक परिवार एक गैस कनेक्शन, उसके उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो सकता है। इनके परिवार में किसी के नाम से कनेक्शन पहले नहीं है वो इसमें आवेदन कर रहे हैं, जिनके नाम से सर पहले है तो उज्ज्वला योजना का पहले आवेदन करेगा तो भी वो पास नहीं हो पाएगा। आपके लगभग समझ आ गई, आप पुनः देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम एक जानकारी भी ये ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो भी बताए हैं वो आप अवेलेबल लेके आराम से गैस एजेंसी कर्जू वितरण जो है आपके संचालक हैं, और जिन्होंने हमें समय दिया, और कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट में कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।